मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी जिले में तराई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी बांटी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नेपाल से बहने वाली नदियों की वजह से बाराबंकी जिलों में घाघरा नदी का कोहराम जारी है। सैकड़ों गांव बाढ़ में के पानी में डूब गए हैं, जबकि किसानों की सारी फसल कटान के चलते नदी में समा गई है। बाढ़ की विनाशलीला को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। बहराइच, गोंडा, करनैलगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बाराबंकी पहुंचा। बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम ने यहां लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चकाचौंध दिखी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों के दावों की जमीनी हकीकत देखी, साथ ही राहत कार्यों की भी हकीकत। इनके लिए क्या किया जा रहा है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा करने के लिए आज आया हूँ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करने, पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री पीड़ितों को प्राप्त हो, इसी दृष्टि आज मैं निरीक्षण प्रातः काल से निकला हूँ। प्रातः मैं लखीमपुर खीरी गया था। लखीमपुर खीरी का दौरा करने के बाद गोंडा, गोंडा के बाद मैं यहाँ बाराबंकी आया हूँ। आपने देखा होगा कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक पीड़ित को दिया जा रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, सूखे चने और तेल मसाला, जितनी भी सामग्री हो सकती है एक घर गृहस्थी को सफलतापूर्वक संचालित करने की, ये सभी सामग्री उन लोगों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है, बरसात का समय है, हम हर प्रकार का संभव सहयोग तो कर ही रहे हैं। जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो जाते हैं, पक्के मकान हैं, तो 95,000 की राहत तत्काल से हमें तो सहायता, कच्चे मकान हैं तो उसको भी राहत के लिए तत्काल हमें तो सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिन लोगों के मकान आपदा के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं।